नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए काम का है। हालांकि सब लोग जो हैं यही चाहते हैं कि उनके पास अपनी कार हो और वो कार अपनी खुद की कार आपन ही चलाएं, कोई और ड्राइवर रखने की ज़रूरत नहीं पड़े और हर कोई व्यक्ति कार चलाना सीखना चाहता है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर कार नज़र आ रही है और उस कार में जो भाई साहब नज़र आ रहे हैं, ये भाई साहब आपको 5 मिनटों के अंदर बताएंगे कि कैसे आप अपनी कार चला सकते हैं। जी हाँ, आज ही आपके लिए पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कार सिर्फ 5 मिनटों में चलाना सीख सकते हैं। ये जो भाई साहब कार की सीट पर बैठे हैं, ये कार सिखाने का काम करते हैं और पिछले 15 वर्षों से ये कार चलाना सिखाते हैं। तो आज हम इनके पास जाते हैं और इनको पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है और वो भी 5 मिनटों में आप मोटा मोटी किस प्रकार से कार चलाना सीख जाएंगे, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे जितने भी दर्शक हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको इस कार के बारे में बता दूं, ये एक ऐसी अल्टो कार है जिसमें एक रेस नहीं, एक क्लच नहीं, एक ब्रेक नहीं, बल्कि गियर, क्लच और रेस ये तीन है, मतलब दो हैं, ये दो दो हैं। आपको इसके अंदर देखिए क्लच भी दो हैं और ब्रेक भी दो है और रेस नहीं है। नहीं, सिर्फ बता दें कि इसमें एक क्लच नहीं, दो क्लच है और दो ब्रेक है। मतलब ड्राइवर जो गाड़ी चलाएगा उनके तो क्लच और ब्रेक तो है ही हैं, इसके अलावा जो साथ में बैठेंगे आपको जो सिखाने वाले हैं उनके भी पैरों के नीचे ब्रेक और क्लच रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साथ में पास में बैठने वाले की सीट होती हैं वो हैं, और अब ये भाई साहब जो हैं इनसे हम बात करेंगे कि कैसे कार सीखते हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चैन सिंह है। चैन सिंह जी, चैन सिंह जी, ये कैसी कार है जो आप सिखाते हैं? ये कार सिखा हुए हाँ, और हम ये मेरा अनुभव है, मैं 10-15 साल से सिखा रहा हूँ हाँ, और ये डबल क्लच और डबल ब्रेक रहते हैं। डबल क्लच और डबल ब्रेक, जी हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या कैसे कार सीख जाते हैं जल्दी? जैसे उनको भैया को कोई सिस्टर हो, भैया हो हाँ, बैठते हैं तो उनको डर सा लगता है हाँ, तो इसमें क्लच और ब्रेक मेरे पास रहते हैं। अच्छा, वो तो उस पर बैठते और आप इस साइड बैठ जाते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है, और स्टीयरिंग एक ही रहता है हाँ, और आगे पीछे जैसे इस साइड घुमा ले तो उनको बैलेंसिंग की या एक्सीडेंट की कोई डर नहीं रहता है? नहीं रहता, कवर कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर आप कैसे सिखाते हैं, मतलब कितने इसमें क्या स्टार्ट में बैठने के बाद क्या करना पड़ता है और कैसे कार चला सकते हैं? स्टार्टिंग बैठने से पहले तो उनको ये स्टीयरिंग और क्लच का अनुभव दिया जाता है, स्टीयरिंग और क्लच, क्लच कहाँ दबाना है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, ठीक है, उसके बाद गियर का हाँ, ब्रेक का, रेस का हाँ, यही होता है। अच्छा, तो बेसिक नॉलेज हो जाता है, बेसिक नॉलेज हो जाता है, फिर अपनी कार खरीदनी पड़ती है। फिर अब आप चलो एक हमें ब्रेक दबा के दीजिए, दबा के उस साइड आप वाला दबाइए और इस तरह देखिए, वो ब्रेक दबाने के साथ ये भी दब जाता है और क्लच दबाइए, देखो दोनों साथ में दब जाते हैं, वो दबाए तो ये यहाँ से भी दब जाए, मतलब उस अगर वो अगर नहीं दबाएं तो नहीं दबाए तो दब जाए, ये दब जाए अगर वो भूल जाए, जो आप जिसको आप सिखा रहे हैं वो क्लच ब्रेक लगाना भूल जाए तो आप दबा देंगे, और रेस रेस तो एक ही है, जरूरत नहीं है रेस की, तो क्लच दबा दिया फिर रेस कोई काम ही नहीं करती। अच्छा, फिर इसमें और क्या क्या सीख कैसे सीख सकते हैं जल्दी कार 5-7 मिनट में, अगर आप किसी को बताना होगा ऐसे? हमारा तो 22-23 दिन का कोर्स रहता है हाँ, उसमें पूरा नॉलेज, जनरल नॉलेज, पूरा जनरल नॉलेज। तो हमारे दर्शकों को कैसे बताएंगे आप 5 मिनटों में अपनी बात की वो कार अपनी चला सके? 5 मिनट में बेसिक नॉलेज आ सकता है हाँ, नहीं नहीं आप बताइए कि किस प्रकार से स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ता है? स्टीयरिंग ऐसे हाँ, और लंबी नजर रखनी पड़ती है सामने सामने हाँ, और ग्लास में देखते रहो पीछे हाँ, आगे पीछे की, और साइड में देखते रहो, ठीक है, और एक्सीलेटर धीरे धीरे दबाओ और क्लच धीरे धीरे छोड़ो हाँ, और चलाते रहो। अच्छा, एक्सीलेटर दबा के क्लच धीरे फर्स्ट गियर में लेकर के हाँ, फिर जैसे ये फर्स्ट गियर लगा दिया हाँ, ये हाँ, और ये धीरे धीरे क्लच छोड़ दिया हाँ, ये रवाना हो गई, एक्सीलेटर दिए बिना एक्सीलेटर, एक नंबर बिना एक्सीलेटर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए किस प्रकार से चैन सिंह जी ने बताया कि आप कार चलाना सीख सकते हैं और आसान तरीके से सीख सकते हैं, और ये एक ऐसी कार है जो सिखाते हैं, सिखाऊ कार है, हालांकि कार मोटर्स जो होते हैं सिखाने वाले खूब सारे होते हैं, लेकिन ये चैन सिंह जी पिछले 15 वर्षों से कार सिखाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को अब तक सिखा चुके हैं आप? तो याद ही नहीं है, खूब सारों को सिखाया, क्या कहते हैं लोग सीखने के बाद?
सीखने के बाद यही अच्छा कर दिया, हमारे को ड्राइवर बना दिया। हाँ बिल्कुल, तो आप भी कार सीखिए जरूर, और चैन सिंह से जैसे खूब आपके क्षेत्र में भी आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको कार सिखाएंगे। और देखिए किस प्रकार से ये कार है जिसमें डबल क्लच है और डबल ब्रेक है, तो आप जरूर अपनी कार खरीदिएगा और कार चलाना सीखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।